नमस्कार, जानते हैं सबसे पहले हिंदी में कुल वैकेंट सीट कितनी है। हिंदी का यह आंकलन दे रखा है, कुल 4,762 पदों के लिए भर्ती थी, जिसमें से 4,485 नियुक्त अभ्यर्थी हैं, यानी 277 नए वैकेंट सीट है नॉन टीएसपी। और उसके बाद जो अनुसूचित क्षेत्र हैं टीएसपी, उनमें 586 पद थे विज्ञापित, उनमें से 536 ने यहाँ नियुक्त हैं, यानी 50 यहाँ और 277 नॉन टीएसपी वाले। 327 पदों पर यहाँ हिंदी वालों के लिए खुशखबरी आने वाली है। ये हिंदी की चयन रिसफल सूची है, जिसकी अंतिम कट ऑफ कुछ इस प्रकार रही। जनरल की 71.90, ओबीसी 71, एमबीसी 17.61 और एससी वालों की 68.63 और एसटी वालों की रही थी 66.30। इसके बाद जो हिंदी की है प्रतीक्षा सूची, यानी वेटिंग लिस्ट आई थी, जिसमें जनरल की 71 और ओबीसी की 17.93, एमबीसी की 17.61 और एससी वालों की 68.45 और एसटी वालों की 67.01 वेटिंग जो है हो गई थी। ये लास्ट है। और इसके बाद जो इस वेटिंग में कुल 596 नए कैंडिडेट आए थे, जो 596 कैंडिडेट आए थे, इनकी ये सूची है किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट आए हैं, मैं भी बता देता हूँ। ये 596 नए कैंडिडेट थे, उनकी सूची है यहाँ कंप्लीट। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ बेल आइकन शो हो रही है उसको क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको भेजा जा सके। और उसके बाद जहाँ वीडियो चल रही है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य ग्रुप बनाए गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रीट और वर्तमान में लगे हुए टीचर, तो आप इनको भी ज्वाइन करें और रोज़ाना अपडेट पाएँ। यहाँ 277 पदों के लिए अभी तक वेटिंग आनी बाकी है। और जो ये पीछे का है आंकलन 596 पदों के लिए, इस प्रकार है। जनरल में 0.90 मेरिट घटी थी, ओबीसी में 0.07, एमबीसी में सेम रही थी, एससी में 0.18 और एसटी वालों के लिए 0.29 मेरिट घटी थी 596 पदों के लिए। अब देखते हैं कि प्रत्येक कैटेगरी में कितने नए कैंडिडेट आए थे। ये लिस्ट है 596 पदों की, जिसमें जनरल के 0.90 पे 354 नए कैंडिडेट आए थे, यानी लगभग एक पॉइंट पे वहाँ चार कैंडिडेट बैठे थे। ओबीसी में 0.07 मेरिट घटी थी, जिसमें नए 92 अभ्यर्थियों को मौका मिला था, यानी लगभग एक पॉइंट पे यहाँ 12 कैंडिडेट बैठे थे। एमबीसी सेम रही थी, यहाँ 3 कैंडिडेट आए हैं डेट ऑफ बर्थ वाले। और एससी वाले जो हैं वहाँ 0.18 घटी थी 73, यानी एक पॉइंट पे चार कैंडिडेट यहाँ थे। और एसटी वाले 0.29 और 74, यानी लगभग 3 कैंडिडेट यहाँ थे। तो 596 जो नए कैंडिडेट थे वेटिंग वाले, कुछ इस प्रकार उनका आंकलन था। ये देखिए कि सीटें पहले 596 थी, अब 277 है। टोटल रिजल्ट आता है, किस कैटेगरी कितने पद वैकेंट है उसके अनुसार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए, अगर यही कंडीशन रहती है एक पॉइंट पे चार, एक पॉइंट पे 12, 4 और 3, तो इसी प्रकार जितने सीट आएंगे, अब इनसे आधे पद आने वाले हैं, तो आधे आएंगे तो मान के चलिए अगर पॉइंट चार ही रहते हैं तो लगभग आपके मेरिट कितनी जा सकती है, एक पॉइंट पे 90 हैं, अगर 50% करते हैं इसका, यानी कि सीटें आधी हैं, तो मेरिट भी आधी घटने के पूरे चांस है, इससे कम ही रहेगी। और बाकी सीटों के अनुसार से अंदाजा आएगा, यानी 0.18 घटी थी, अब तो हो सकता है कि 0.18 भी दोबारा घटे, 0.15 घटे, और 0.90 है तो लगभग 50-60 घटनी चाहिए, और 0.29 है तो यहाँ पे 15-20, इस हिसाब से अंदाज़ा होता है, क्योंकि सीटें आधी है तो मेरिट भी उसके हिसाब से ही घटेगी, ज़्यादा 1-2% नहीं घटने वाली। और बाकी जैसे ही सूचना आएगी आपको डाल दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।